हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी हम मेरा योगा हो चुका है एज़ यूजुअल। वॉचिंग द सनराइज इज़ ग्रेट, बर्ड्स, सनराइज। ये एक्चुअली क्योंकि हम बॉम्बे से हैं तो ये जॉय और ये लग्जरी, ये प्रिविलेज वहाँ पर हर किसी को नहीं है कि यू कैन वॉच द नेचर सो क्लोजली। तो यहाँ पर हमको अच्छा लगता है ये सब देखना। और ऐसा बोलते हैं कि इफ़ यू वॉच द सन, द मॉर्निंग सन, द डॉन, और उसको अगर देखो आप ना, तो टू मिनट्स और टू सम सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स अगर आप उसको देखो तो यू गेट अ क्वाइट गुड एनर्जी इन द मॉर्निंग। पॉजिटिविटी बढ़ती है आपको, हैप्पी थॉट्स आते हैं, एवरीथिंग। तो अगर इतना करने से कुछ अच्छा और पॉजिटिव होता है तो वाई नॉट डू दैट, राइट? करना चाहिए। आप लोग भी ट्राई करना, मुझे बताना। और कोई भी चीज़ ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना? यू हैव नथिंग टू लूज़। तो चलो, आज का दिन और कल का दिन, बोलते हैं दो दिन रक्षाबंधन है, पर बहुत सालों से मैंने तो सेलिब्रेट किया नहीं है। कोई रीज़न है भी और नहीं भी, ऐसे कुछ कुछ है। मगर हाँ, इस बार एक फैमिली ने हम लोग को इन्वाइट किया। और ऑल दो मेरा और राकेश का ऐसा कुछ नहीं था कि राकेश किसी से बंधवाए राखी या मैं किसी को बांधूँ, ऐसा वी आर पास्ट दैट, वो सब कुछ है नहीं। तो फिर भी उन लोगों ने बोला, बहुत प्यार से बोला कि नहीं वो राखी बांधेंगे, ये वो सब करके कुछ कुछ हुआ है ऐसे। तो ठीक है। और लास्ट नाइट हम उनके घर में जब गए थे तो उन लोगों ने हमको गिफ्ट दिया, और आज वो बोल रहे हैं कि कोई राकेश को राखी बांधेगा तो हम भी उनके लिए गिफ्ट लेंगे। तो लेट्स सी, जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे, आप भी देखिए। पर गिफ्ट के शॉप से यहाँ इतने हैं नहीं, बट विल सी व्हाट टू टेक। सो सी यू देन। नाश्ता करने बैठ गए हैं, उपमा जूस, उपमा चाय। अरे इसको चम्मच नहीं लाए आपने? कर दिया? नहीं, घोला नहीं है, सिर्फ डाला है। सॉरी। तो अभी तैयार होना, मैं रेडी हो रही हूँ। और ऐसा सुनते थे, बोलते हैं पिक्चरों में, तो खास करके ऐसा बोलते थे ना कि खुशियाँ आपको ढूंढती हैं। ऐसे ही काफ़ी सालों से, मुझे याद भी नहीं कितने सालों से, ना मैंने किसी को राखी बांधी, ना राकेश ने किसी से राखी बंधवाई। तो ये सारे ही त्यौहार हमारे लिए आते थे जाते थे, हम लोग इतना सोचते भी नहीं थे और हमको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता था ऐसे। मगर आज कल हमको जिन लोगों ने बुलाया था, आज उनका फ़ोन आया सुबह कि वो यहाँ आएंगे, और हमको भी उनके घर पे लंच पे बुलाया। तो बस वो राखी उनकी जो बेटियां हैं वो शायद बांधेंगी राकेश को राखी, जबकि राकेश को ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसको राखी बांधे, कोई सिस्टरली, कोई ब्रदरली, ऐसा कुछ भी, मतलब वी आर पास दैट, क्योंकि वो रिलेशंस हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। मगर एक एसेंस होता है ना, तो ऐसा नहीं कि वी हैव एनी कंप्लेंट्स और एनी ग्रजेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जस्ट वी हैव गॉटन यूज्ड टू इट। इनफैक्ट सारे, और हम लोग अपना रिलेशंस जो भी होते हैं या जो फेस्टिवल्स होते हैं अपने लिए मनाते हैं, तो हाँ खुशियाँ ढूंढ लेती हैं। तो नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा खुशी है, मगर ऐसा कि टू बी अबैंडन्ड एंड टू बी एक्सेप्टेड, ये बहुत बड़ी बात है फॉर मी एंड राकेश, बिकॉज वी सीक ओनली लव एंड टू बी एक्सेप्टेड। और शायद हैं कुछ लोग इस दुनिया में ना। सो लेट्स गेट रेडी। तैयार हो चुके हैं और अभी इंदुबेन के घर जा रहे हैं, और फिर इंदुबेन को लेके यहाँ आएंगे हमारे घर, और फिर राखी का कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। मेरे पास भी राखी नहीं है क्योंकि मैंने तो बहुत साल से खरीदी नहीं, मैं किसी को ऐसे, तो देखते हैं, मिलते हैं कहीं से, फिर मिलते हैं। वेलकम। ये देखिए हमारे घर आए हैं ये सब, ये धीरू भाई की बहू है, मतलब बहू की बहू, बेटी की बहू, और ये दोनों बहनें हैं। और आगे भी ले चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हैं सारे लोग। ये हम लोग ने नांदूर नाका से लिया है। हाँ,
चलो आज उतर जन्मो का संगम है भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना ओके 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 बाकी तो अपना वहाँ पे यही सब पूरा भर भर के खिलाएंगे। एक मिनट लाऊ लाऊ निशु नहीं उसमें से नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं अरे अरे भाभी बोलू एक दीदी हो गई मैं थोड़ा वो थोड़ा बस ये जिसके प्रोटेक्शन में है ना उसको कुछ नहीं हो सकता हम ना ये खिलाने का और आप भी दीदी को खिलाओ भाभी को मेरे को तोड़ के दो उनको खिलाने के लिए हाँ पगे लागे हाँ पगे लागे सही चलो अबे लड़वानू ना राकेश भाई ये तो धीरू भाई का नहीं नहीं वो धीरू भाई और इंदू ने नहीं किया वो साले के बाद जेंट्स भी लेडीज होता है नहीं देती हूँ देने तो भैया अरे नहीं देती ऐसा मत करो नहीं हमारे नाम में नहीं चिल्लाओ मेरी बहन कितने साल की बात राखी बांधी उसको बड़े 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 भाई जो रमेश भाई वा मामू जी मुकेश बाबा तो मुकेश बाबा मामू मामू जी के बे भाई एक मत छे राकेश भाई मा भाई छे बस बस चलो चलो तो राकेश को राखी बांधी गई है अब हम लोग नीचे जा रहे हैं इंदु बहन के घर जा रहे हैं तो वहाँ पर अब हम धीरू भाई को राखी बांधेंगे चलिए वहाँ चलते हैं राखी भी ले चलते हैं लगे तो आज रक्षाबंधन है मतलब आज और कल दो दिन रक्षाबंधन है तो अभी हम आए हैं यहाँ पे इंदू बहन के घर जस्ट अभी पहुँचे हैं उन लोग सब ऊपर चले गए हैं हम जा रहे हैं और ये है मैंने आज जो पहना हुआ है ये ड्रेस पीस मैंने नाखुदा मोहल्ला से लिया था और फिर यहाँ स्टिच करवाया था देवलाली में तो ड्रेसअप होना मुझे अच्छा लगता है थोड़ा अभी भी तो चलो ऊपर चलते हैं और ऊपर चलते हैं और जो प्रोग्राम है वो देखते हैं आप लोग भी साथ में बने रहिए चलिए कभी तो छोड़ोगे हाँ वैसे भी करते हैं वो तो है केव लागे जिंदु बहन हो गया है और अभी हम लोग सब लोग यहाँ बैठ गए खाने के लिए और राकेश वहाँ बैठेगा धीरू भाई वहाँ तो सब एकदम धमाल 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 है और यहाँ पे हम सब बैठेंगे और खाना खाएंगे
धीरू भाई वहाँ है। तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर, लंच हो चुका है और मैंने भी राखी बांधी हिंदू भाई को भी सबको, और अच्छा लगा। मतलब मेन बात उन लोग की जो मुझे अच्छी लग रही थी वो थी दे आर फुल ऑफ लव एंड द बॉन्डिंग इज सो ग्रेट। इतना अच्छा बॉन्डिंग, इतना अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट आ गया था। तो उसमें से एक जो थे उनका अपने भाइयों के साथ में कुछ ऐसा डिस्प्यूट था, तो उनको ऐसे थे जब उन्होंने राकेश को राखी बांधी तो पता नहीं कितने सालों बाद उन्होंने बांधी। तो ऐसे मेरे ख्याल से बहुत बहनें होंगी जिनके भाइयों के साथ रिलेशन नहीं है, या सगे भाई हैं भी, या कई लोग के भाई नहीं होंगे, दूर होंगे या एक्सपायर हो गए होंगे, ऐसा होता है। मगर वो चीज़ें सबको फिर वो आज के दिन मिस होती है ना, इसीलिए फिर वो अभी भी उन लोग को ये था कि नहीं आप बैठिए डांस करेंगे ये करेंगे, पर आके सब काम था तो हम लोग बोले चलो निकलते हैं, तो यही बस घर की तरफ ही मुड़ रहे हैं। तो देर बाद मिलते हैं। एज प्रोमिस्ड ये रह रहा था, और ककड़ी और अरे सॉरी क्या है, टमाटर और कांदे का ये है, क्योंकि और कुछ सब्जियां ज़्यादा है नहीं, हम जा नहीं पा रहे हैं, यहाँ वहाँ हो रहा है, तो बस यही आज पुलाव और रायता खाएंगे, तो खा के एडिटिंग करेंगे और फिर आपको बाय बोलेंगे और फिर सो जाएंगे। तो आज का दिन तो हुआ ख़त्म। तो मतलब मेरा जो रियल ब्रदर है शिरीष, वो तो रहता है ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में, तो उन लोग से तो दोपहर को ही मेरी बात हो चुकी थी, और वहाँ पर से मतलब उन लोग वहाँ पर अपना अलग मतलब सेलिब्रेट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग को वीडियो कॉल या ऐसे हम लोग की बातचीत हो जाती है। और यहाँ पर भी हम लोग गए थे मतलब इंदु बेन के घर, और सब उन लोग ने राखी वहाँ सेलिब्रेट की, बहुत मज़ा आया उन लोग की फैमिली को मिल के, इतना कुछ सीखने मिला, और इतना उन लोग पॉजिटिव और एक दूसरे का बॉन्डिंग, बहुत बहुत अच्छा लगा, और एकदम इतने वेलकमिंग और इतने अकोमोडेटिंग एडजस्टिंग हैं, और काफ़ी अच्छा लगा उधर से। पर अभी हम लोग का भी राकेश अभी एडिटिंग कर रहा है, मैंने थोड़ा एडिटिंग कर लिया है, थोड़ा कुछ जो फाइन टचेस होते हैं वो राकेश भी दे देता है, तो अभी सो जाएंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर शोइंग सम लव, और अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ, आई होप यू आर इन्जॉइंग आर जर्नी, और अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो कुछ भी हो तो शो सम फीडबैक ऑन इन द कमेंट्स, एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, आई होप यू आर इन्जॉइंग अस, लेट्स कॉल इट अ डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सी यू टुमॉरो।